खुशदौड़ी से ही आ रही है। बेस्ट मटन ही राजस्थान का होता है, और अगर आप जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ जाएंगे तो वहाँ का मीट तो अगर आप सिर्फ पानी में डाल के बनाए ना तो ही इतना टेस्टी बनता है। जयपुर आने के बाद ना अ बिग 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 स्माइल फॉर मटन लवर्स यार। सत्यकाल जी, सत्यकाल। आज हम आए राजस्थान हैं। अच्छा, सीन ऐसा है कि ये जो वैन देख रहे हो, इसे कहा जाता है रॉबिन्स किचन। हाँ सर, रॉबिन्स किचन। और यहाँ का पता क्या सीन है, मेरी सर से फोन है, बात ही जयदेव जी से, और इन्होंने कहा मैं बनाता हूँ ट्रेडिशनल रॉयल मटन करी सरसों के तेल में। 2 किलो बनाने वाले हैं? हाँ, 2 किलो बनाने वाले हैं। ये जो वैन है इस पे शाम को 5 से 11 तक इसमें बिकता है। हम दोपहर के समय आए हैं और मेकिंग के टाइम पाया, अभी 2 बजे दोपहर के। छत पे जाना है इनकी, खुली छत है वहाँ, उन्होंने टेबल लगा रखा, हांडी हुंडी का सारा स्प्रेड लगा रहा है इंग्रीडियंट्स का। जीरो से बनाएंगे प्रॉपर मीट जी? हाँ, स्टार्टिंग से रेसिपी दिखाएंगे, कुछ उसमें छुपाएंगे नहीं, कुछ हिडन नहीं होगा, कोई उसमें सीक्रेट मसाला नहीं होगा, मिनिमम मसाले से डिलीशियस मटन करी। पानी आना बात करते हैं, मैं कुछ नहीं खाया बाय द वे, दिल्ली से निकला हूँ सीधा डायरेक्ट इनके पास आया हूँ, वीडियो बनाने का मन था। चले ऊपर जी? चलो सर, चलो। सो सीन पता क्या है यहाँ का? हाँ, स्वाद जयपुर का है, वो भी सीन दैट। इसे रोड को कहते हैं सिरसा रोड, और अब हम जाएंगे इनकी छत पे। चले आओ। अच्छा, ये टॉप फ्लोर है जी लोहे की? हाँ सर, ये मैंने अभी इसको लिया है। अच्छा, और इसको इन फ्यूचर रूफटॉप रेस्टोरेंट बनाऊंगा। अच्छा जी, चलो गुड है जी, फूड बिजनेस से इंस्पायर होते हो और ऐसे काम करने की सोचते हो, अच्छा लगता है। अरे वाह जी वाह। ये सर अभी रॉ है पूरा, सेटअप बना रखा है, कमाल कर रखा है, देख रहे हो जी हमारे स्पेशल जयदेव जी को। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स वगैरह लगा रखा है? हाँ सर, ये रेडी है पूरा। ये देखो जी, तैयारी करें चालू जी? हाँ जी सर। कितने सालों से बना रहे हो जयदेव जी? सर मुझे हो गए कुछ 10-12 साल बनाते हैं। आउट पहले घर बनाते थे? हाँ हाँ। अभी आउट ऑफ पैशन काम चालू कर रखा है। अच्छा चलो चालू करते हैं जी। जी कैमरा मेरे हाथ में है और जयदेव जी तैयार है, चालू करें जी? हाँ जी, चालू सर, जी। हाँ जी सर, चालू करते हैं। ये 2 किलो मटन के लिए सिर्फ 200 ml सरसों का तेल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? ये हमारे पास में एक घानी है, उससे लेके आता हूँ मैं, एक्चुअल सरसों का तेल है, प्योर प्योर। हैप्पी दिवाली सोएब सर, दिवाली की मिठाइयाँ। अच्छा जी, हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो आप भी रो यार। अरे हाथ चलो, मैं उठ रहा हूँ अंकित। लो ये लहसुन की कलियाँ डाल रहे हैं इसके अंदर, 10-12 कलियाँ होगी। और ये मेरा सिंपल गरम मसाला है, इसमें तेज पत्ते हैं, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, बस ये, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। अब ये जल नहीं जाए इसलिए इसमें अराउंड 600 ग्राम प्याज है, चला लेते हैं। अच्छे से प्याज पकने दोगे? हाँ, अब मैं ब्राउन, इसको बादामी कलर हो जाए तब तक भूनेंगे इसको। इसमें मैंने 5-6 मेथी दाना भी डाला है, मेथी दाना एक्चुअली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, इसलिए थोड़ा सा, ताकि आपको एसिडिटी वगैरह नहीं हो, इसलिए डालता हूँ। अच्छा, जनरली लोग नमक डालते हैं साथ में प्याज जल्दी भुनने के लिए? हाँ एक्चुअली, लेकिन अगर मैं अभी इसमें प्याज डाल दूंगा ना तो ये जो प्याज क्रिस्प होता है ना वो पानी छोड़ देगा, पानी छोड़ देगा तो क्रिस्प नहीं होगा, मुझे वो चाहिए। अच्छा, कि नमक अभी डाल दोगे तो प्याज पानी छोड़ देगा जल्दी? पानी छोड़ देगा, क्रिस्प नहीं होगा, मुझे वो चाहिए, प्याज क्रिस्प हो, उसके बाद में मैं इसमें अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगा। मेरी रेसिपी एक्चुअली मेरे फादर ने जो मेरे को सिखाया है वही है। तो सर एक्चुअली मैं भी गुड़गांव जा कर आया हूँ, 3 महीने रहा गुड़गांव, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन 3 महीने में मैं समझ गया कि मुझे खुद का करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया गाइस, पुणे इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर, यस लाइक आई प्रॉमिस्ड। बाय द वे अंकित, इधर आओ, हाय करो। हाय। अंकित इज हेल्पिंग मी इन एक्सप्लोरिंग फूड ऑफ जयपुर, ही रन्स एन इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है फूडी अंकित। राइट, अच्छा। अब सीन ऐसा है कि आई एम गोइंग टू पुणे ऑन द 22nd, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइनलाइज, 22nd से 26-27 तक। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, अगर कोई पुणे से या पुणे अगर जानता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे एक लंबी सजेशन भेजो खानों की जगहों के, एंड प्रॉबेबली नॉनवेज, बिकॉज यू नो मेरा और नॉनवेज का प्यार जन्मों का है, तो प्लीज़ डू दैट, थैंक यू। स्वयं सर, ये प्याज अभी आधा भुन चुका है, थोड़ा और भुनेगा अभी, जब तक ये भुन रहा है तब तक मैं आपको किचन दिखा देता हूँ जहाँ से मैं रेगुलर बना रहा हूँ। अरे वाह जी, चलो जी। हाँ जी, बड़ी खुली जगह है आपकी, अपनी जगह? नहीं सर, रेंट पे लिया, ये देखो पास में कितनी हरियाली है शानदार। हाँ जेन्युइनली यार, खेतों के बीच में। ये सर छोटे सी किचन है मेरी, ये अभी यहाँ पे कैसे, ठीक हो? वेरी गुड जी। यहाँ पे 5 किलो मटन मैं और बना रहा हूँ अपनी वैन के लिए। अच्छा, हाँ 2 किलो वाले बाहर बना रहे हो? हाँ, ये अंडा करी के लिए अंडा बॉयल है, 17-18 अंडा बॉयल। अंडा शाम को क्या क्या आइटम होती है अपने पास? मेरे पास में एज अ स्नैक्स फिश फ्राई होता है, मटन करी होती है, चिकन करी होती है और अंडा करी होती है। अच्छा, हाँ विद
रोटी, तवा रोटी। वेज में यकीन नहीं रखते? वेज, मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। वैसे सीरियसली यार, कितना सही एरिया है ना, आराम से मीट बना रहे हैं खेतों के बीच में छत पे खड़े होके। वाह जी वाह। शोएब जी देखिए, मेरे अनियन एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ठीक है, जिस तरह के मुझे चाहिए थे बादामी कलर के। अब मैं इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। कितना डाल रहे हो? इसको कूटा हुआ है, 3 मुट्ठी वो है, ये दोनों मिलाकर कूटा हुआ है इसको। हल्का सा पानी डाल दें ताकि ये जले नहीं मसाला। अब इसको अच्छे से भूनूंगा मैं इसमें। लहसुन अदरक को अच्छे से पकाएंगे इसके साथ में। देखो कैसी अच्छी खुशबू आने लग गई है अभी से ही, जबकि ये तो अभी डला ही है। अंक स्कोर क्या हुआ है? रंग 44। ये देखो जी, कौन कहता है कि हम काम के समय क्रिकेट नहीं देख सकते। शोएब सर, आप इसमें मटन डालेंगे? 2 किलो मटन है ये, देखिए पीस देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए। बेस्ट क्वालिटी मटन लेके आता हूँ मैं, खुद जाता हूँ, खुद लेके आता हूँ अपने सामने। और पीछे से कैट गई, ये मैंने ही पाल रखी है। अच्छा, क्या नाम है कैट का? सिमरन। सिमरन, अच्छा जी, क्योंकि मेरे पास टाइगर है ना, तो सिमरन भी बहुत रोमांटिक किस्म के हो आप। अच्छा, मीट के पीस के साइजेस देखो, पता है जयपुर, राजस्थान जो भी कह लो, मतलब यहाँ पे ना मटन के देख के मजा आता है, साइज वगैरह। एक्चुअली हमारे दिल्ली में लोग छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। एक्चुअली बेस्ट मटन ही राजस्थान का होता है, और अगर आप जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ जाएंगे तो वहाँ का मीट तो अगर आप सिर्फ पानी में डाल के बनाए ना तो इतना टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। उसमें कुछ नहीं डालने की जरूरत है आपको, नमक डालो, मिर्च डालो हल्की सी, और पानी। मसालों में तो दम है, बाकी पानी में ही दम है। मटन पकते हुए देखने में ना चाम ही अलग है यार। और जो ये लहसुन के जो चंक्स है ना सर, ये जब आप खाएंगे तो अलग ही मजा आएगा। रॉ चंक्स हैं ये, मजा ही आ जाएगा आपको। आपके व्यवहार में मुझे मजा ज्यादा आ रहा है। खाना तो बहाना है। सच बता रहा हूँ, ये तो मिलने का तरीका है, और क्या है खाना। यस सर, अब मैं बनाता भी उसी हिसाब से हूँ कि लोगों को मजा आए, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मैंने अपना जॉब छोड़ के इसमें लगा हूँ। 100% जिस दिन जो चीज आपकी पैशन है वो का काम बन जाए ना, हर चीज सक्सेसफुल है सर। हो गया, सब कुछ हो गया, किचन में बातें चल रही, सुन रहे हो, चल ही जाएगा। टाइगर कौन है? हाँ, टाइगर, टाइगर एक्चुअली मेरे साथ वांगो में जॉब करता था ये लड़का, और उस टाइम बस आया ही था, और तो तब से मैंने इसका नाम टाइगर रख रखा है। टाइगर जिंदा है। हाँ, और फिर ये यहाँ आ गया मेरे पास में। अब मेरी बात सुनो, एंड आई वांट यू टू इमेजिन, ठंडी ठंडी हवा त्वचा पे लग रही है। हाँ। सामने मीट बन रहा है, मीट की खुशबू आ रही है, जयदेव जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं मटन खाने वाला हूँ, आराम आराम से पक रहा है। यू नो व्हेन यू कंसोलिडेट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, दिस इज रियली हेवनली यार, मतलब मजा आता है। देखो कितनी बढ़िया भुनाई हो चुकी है इसकी। अब इसमें रॉ धनिया डलेगा, धनिया की डंडियाँ डलेगी, उसके बाद में जो मेरा लाल मिर्च है, पिसा धनिया है, नमक है, हल्दी है, वो डालूंगा, उसके साथ में इसको पकाऊंगा मसाले को। इसमें थोड़ा तेल ऊपर आने के बाद में हल्का सा दही डालेंगे, और बस रेडी फिर मटन आपका खाने के लिए। धनिया की डंडियाँ हैं जो धोली है अच्छे से, इसको थोड़ा पानी निकाल लेते हैं और ये डालें। यही इस मटन का मैजिक है, ये इतना फ्रेश फ्लेवर लेके आएगा ना मटन के अंदर, आप देखना, मेरे मटन का यही जादू है मुझे लगता है। इसको इसके साथ में भुनाई करेंगे, ये इसको जितना भूना जाता है ना, मेरे पिताजी साहब जी ऐसे बोलते हैं कि मटन को जितना ज़्यादा रोड़ोगे ना, रोड़ना मतलब कि मारवाड़ी का वर्ड है, जितना इसको भूनेंगे ना उतना मटन का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेगा। ये देखो, इसमें पिसा धनिया है, पिसी मिर्च है, हल्दी है, नमक है। सो आपने फिर से बता दो एक बार, क्या कहते हैं इसमें? इसमें पिसा धनिया है, लाल मिर्च है पिसी, और नमक है, और हल्दी है, बस। और कुछ अपने पेस्ट बना दिया, पेस्ट बना दिया। अच्छा। पानी डाल दिया उसके अंदर, और थोड़ा भीगने के लिए छोड़ दिया था। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, हाँ, तो ध्यान रखते हैं कि सारी सीटी प्लेटों का मसाला है ना साफ होना चाहिए। मेरे फादर भी हमेशा मुझे यही टोकते रहते हैं कि इसको साफ कर अच्छे से, तो मेरे वही आदत पड़ी हुई है कि इसको साफ करना है, मसाले पीछे ना रह जाए। हाँ, वेस्ट नहीं होना चाहिए ना कुछ भी। शोएब जी, अब बस इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे, इस पे तेल आने का वेट करेंगे। तो सर, अब ये कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, ताकि थोड़ा कलर दिखने में अच्छा लगे। मोटा मोटा 2-3 चम्मच डालिए। 2 चम्मच
ये देख लो जब लेंस पे धुआं आता है, हमारे लेंस पे बड़ा खर्चा होता है, बट दिखाने का मजा ऐसे ही आता है यार। मेरा तीसरा लेंस है जो मैं खरीद चुका हूँ। सर जयपुर क्या है कि गुड़गांव की तरह है, मतलब अगर मैं दिल्ली की तरफ जाता हूँ मुझे लगता है एक सवा घंटा डेढ़ घंटा, जयपुर की तरह तो 3 घंटे लगते हैं। सो इट्स लाइक सेकेंड होम यार जयपुर। एनीवे कमिंग बैक टू पुणे यार, पुणे का जगह प्लीज सजेस्ट कर, जो मैंने बोला था ना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ओनली बिकॉज जिस शहर के पता नहीं तो थोड़ी जानकारी चाहिए। अजय दही ले आ। दही मंगा लिया है। हाँ सर ये देखिए हल्का हल्का तेल इस पे मसाले में ऊपर आने लग गया, मतलब ये हमारा मसाला तो पकने। एक सेकंड मैं जूम इन कर लूँ थोड़ा जी, धुआं रहा है, एक सेकंड। ये देखो जी वाह, देखिए सर ये ऑयल ऊपर तेल ऊपर आने लग गया अपना, तो मतलब मसाला तो इसका पकने लग गया है। ये क्या फेंटी हुई दही थी? हाँ सर ये दही फेंट के ले आए, इसमें डाल देते हैं। बढ़िया एकदम, देखो आप कितनी दही गई है इसमें। इसमें अराउंड 500 ग्राम दही डाल दिया मैंने। 2 किलो मीट में आधा किलो दही का इस्तेमाल किया। दही का ही है सर खेल, तो देखो अब आप खुशबू बड़ी सही आ रही है। हाँ सर खुशबू तो अभी देखिए आप थोड़ी देर में कितनी शानदार, नीचे तक बाहर तक लोग आ जाते हैं मुझे पूछने के लिए भैया क्या बन रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ तो कोई भी मुफ्त में खा सकता है। चलो गाइस एंड रिजल्ट दिखाएं आपको मीट का। ये देखो जी कम से कम 1 घंटा और पकने के बाद, सही कह रहा हूँ जी? यस सर, ये ऑलमोस्ट डन है मटन, खुले में पकाया है हमने इसको हांडी के अंदर, ऑलमोस्ट मटन रेडी हो गया, इसके पीस और सर देख रहे हो तैयार है, अच्छे से मसाला पक गया है इसका। सो दिस इज व्हाट वी कॉल जयदेव जीज मटन करी दैट्स बीन मेड बाय हिम, रेसिपी ऑफ हिज फादर, एंड ये है जी एंड रिजल्ट। इसकी प्लेटिंग करें सर? हाँ सर इसकी प्लेटिंग करते हैं, एकदम नॉर्मल रेगुलर मसालों से बनाया, जो देसी स्टाइल घर में आप बना रहे हो मटन वही है ये। और ये आपका आखिरी बट मेजर इंग्रेडिएंट धनिया। धनिया सर मुझे भी धनिया से बहुत ज़्यादा प्यार है, काफ़ी खुशबू तो बात करती है। हाँ देखो कितना फ्रेश धनिया है, एक्चुअली मेरे आसपास खेत है ना, तो वहाँ से हमें थोड़ा धनिया फ्रेश मिल जाता है। हाँ मज़ा आ गया देख के। द फूड्स यार, गाड़ी उतार के साइड पे, रिंग उतार के साइड पे, खाना है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ओके आई लव द फैक्ट दैट इतने नली के पीस है, मेरा फेवरेट है। बात करते करते पानी आ रहा है, रोटी है बोटी, और ये हरी मिर्च का साइज़ देखो। एक्चुअली मैं लग रहा है मैं किसी गांव में खा रहा हूँ, जब मेरे लिए प्यार से खाना बनाया, और सही बताऊँ तो बनाया भी है यार, दिल से बनाया, मेरे सामने पूरी मेकिंग हुई जो आपने भी देखी। ट्राई करें, सीधा करते रोटी बोटी, पास आओ मेरे इधर देखो। ये देखो जी ये नली का पीस देख रहे हो, पूरा पूरी ग्रेवी हैज़ बीन सोक्ड बाय द चपाती। ट्राई करें इसको, वापस रखते हैं प्लेट को। ये देखो जी ये ने ली रोटी, ठीक है, और अब नली का पीस का करते हैं प्रेशन। ये ना जी एकदम मटन का साइज देख के मज़ा आ रहा है। ये सारी ग्रेवी थोड़ी मैं यहाँ से लेता हूँ डोंगे से। ये पहले बाइट देखो आराम से, ये देख रहे हो जी। हाँ हाँ खाएं इसको। ऑलराइट 3 2 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। जयपुर आने के बाद ना अ बिग 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 स्माइल फॉर मटन लवर्स यार, मतलब लोग कहते ना मैं तारीफ करता हूँ वीडियो में, सर और मैडम जो भी देख रहे हैं इस टाइम पे चैनल को ना देखना मत अगर मटन पसंद आया, इनके लिए इन्होंने कहा था मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं आता, फॉर डेली लवर्स दिस इज़ प्योर स्पाइसी एंड आई लव इट, मतलब दिस इज़ द काइंड ऑफ स्पाइस दैट आई नीड। सही बता रहा हूँ मैं सिर्फ स्पाइसी खा सकता हूँ क्योंकि जब मैंने इतना मटन खा लिया तो मज़ा आ गया। आप देख रहे हो मैं आपसे बात करते करते मटन खा रहा हूँ, एंड गुड थिंग इज दैट द मसाला जो सो करेक्ट, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज व्हेन उन्होंने पेस्ट बनाया था ना, आई वाज थिंकिंग वाज इट इनफ कि अलग से नहीं डाल रहे आप ड्राई रब वगैरह, बट ना जी ना मज़ा आ गया। एक मिनट मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। मटन्स अ लिटिल टाइट दैट आई लाइक, कई लोगों को बिल्कुल पका हुआ अच्छा लगता है, इट्स जस्ट योर स्टाइल यार, जैसा आपको चाहिए। गारंटीज बात किया, मुंह पे लग गया ना मज़ा आ जाएगा। रोटी पे बोटी एक बात है, एक बात है कि हम अलग से डेढ़ चपाती और सिंपल ये पीस लें। ये देखो ये देख रहे हो ये धुएँदार मीट ग्रेवी में डिप करके,
जिसे कहते हैं खाना। चिकन की याद नहीं आती मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी, और आई भी क्यों, खाना ही ऐसा यार। हाँ, गर्मा गर्म फ्रेश गर्म गर्म फुलके स्टील के प्लेटों में सर्व। और बाय द वे एक चीज़ तो करने ही भूल गया, ये ली ग्रेवी, ठीक है, इसके साथ में लेंगे हरी मिर्च। अगर आपको लगे कम स्पाइसी मिर्ची भी है। वंस अगेन रॉबिन्स किचन, अ फ्यू थिंग अबाउट रॉबिन, खड़े मसालों में है, मसाले देखेंगे। सेकंड थिंग, खाना गर्मा गर्म पैक फुक के सिस्टम में ठीक है, बट जो मज़ा ऐसे आता ना आया वो उसका तोड़ नहीं है। दूसरी बात, अदरक और लहसुन मुंह पे आएगा, इट इज़ मीडियम स्पाइसी। ये बातें आपने आने से पहले एक्सपेक्ट करनी है, गारंटी दे रहा हूँ कि स्वाद से खुश हो जाओगे। वंस अगेन रॉबिन्स किचन, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, लोकेशन एड्रेस प्राइसिंग वगैरह वगैरह, इनकी कहाँ पे वैन लगती है, लोकेशन सब नीचे डिटेल्स होंगी, ठीक है कि नहीं। इंस्टाग्राम पे रोड शो लिखना, फेसबुक पे शो रोड ब्लॉग लिखना, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। आई एंजॉय माई सेल्फ, अ हाईली रिकमेंडेड प्लेस, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।